गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज दिन है, कल गया था, कल 11 जुलाई थी, तो आज 12। नहीं, मैंने तो अपने कैलेंडर में भी डेट नहीं चेंज की। आज 12th of July है शायद से, है ना? कल 11th थी। मैंने तो डेट का पूरा रिकॉर्ड ही खो दिया यार। कहाँ मेरा दिमाग है, सो के उठी हूँ शायद से अभी, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। बताती हूँ आपको, डेट है जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और वैसे तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, लेकिन मेरे को ना ऐसे थोड़ी लुटी लुटी आ रही थी, तो मैं लेट गई और मैं फिर से सो गई, मेरी आँख लग गई। अब उठ चुकी हूँ, पर बेड से उठने का मेरा मन नहीं है, और थोड़ा बेड भी सेट करना है, उठ के काम है। कोई बात नहीं, करेंगे काम धीरे धीरे, सारा काम तो करना ही है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो, है ना? तो करेंगे काम भी। और भूख लग गई है, जैसे मैं बताती हूँ ना कि मुझे उठते ही भूख लगती है, मेरे को भूख लग चुकी है। पर मैं ब्रश करके आराम से फिर नाश्ते की तरफ चलूँगी। क्या बनाऊँ आज? शायद से कल तो मैंने बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट किया था, घी के हाथ की रोटी खाई थी। आज मैं सोच रही हूँ कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। आलू के पराठे इज़ माई फेवरेट। मैंने बीच में खाने छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू आलू हो गए थे, और आलू ना शायद से सुटेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि आलू खाने से भी कुछ बालों के किसी चीज़ पे अफेक्ट पड़ता है, और शायद से बाल टूटते हैं, ऐसे सुना है मैंने। ज़्यादा लोगों से नहीं सुना, पर ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। पर मैं खाऊंगी आलू के पराठे भाई, क्यों ना खाऊं, हद हो गई यार। क्या जो फिजिकल अपीयरेंस है वही सब कुछ है क्या? अपना खुद का अंदर का मन भी तो होता है ना, तो इस वजह से मैं उस मन की पुकार सुनूंगी और मैं आज आलू के पराठे बनाऊंगी। आप सब भी देखिएगा कि किस तरह से बनाती हूँ मैं। सिंपल बनाऊंगी क्योंकि धनिया तो नहीं है, मतलब ग्रीन कोरिएंडर नहीं है, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया पाउडर है, पाउडर जरूर डालूंगी स्टफिंग में। तो उठते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। बाहर बड़ी प्यारी सी धूप खिली हुई है, जब मैं सुबह उठी थी तब तक तो धूप का टाइम नहीं हुआ था, 6 बजे तो कहाँ धूप खिलती है, पर अब अच्छी धूप निकली हुई है। और थोड़ा बाल चेक कर लेती हूँ, रुको। और अभी एकदम चमक रही है धूप, बाहर गर्मी होगी अभी तो, रूम में तो एसी की काफी ठंडक है, पर वैसे एसी बंद है, सुबह एसी बंद कर दिया था, पर कूलिंग रहती है ना थोड़ी देर तक, तो वो कूलिंग है। और कल रात को पता है क्या हुआ, सुबह उठ के देखा मैंने 6 बजे, ये जो सामने वाला डोर है ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, पहले बात कंप्लीट कर लूँ। तो रूम का सामने वाला डोर खुला रह गया। कैसे खुला रहा क्यों नहीं पता चला, क्योंकि ना कर्टेन्स लगे हुए थे और कर्टेन के पीछे डोर खुला हुआ था। तो मैं रात को बड़ी बेचैन हो रही हूँ, मैंने कहा रोज जैसी ठंडक चिलिंग सी रहती है वैसे क्यों नहीं आज फील आ रहा है। पता चला कि अच्छा, सुबह उठ के देखा 6 बजे की तो डोर खुला हुआ था। दिखाती हूँ मैं आपको किस डोर की बात कर रही हूँ, ये वाला। तो ये जो कर्टेंस थे, कर्टेंस लगे हुए थे और ये डोर पूरा खुला हुआ था। मैंने कहा यार ये लो, एसी के और दम फूल गए होंगे ठंडा करने में, इसका कंप्रेसर तो बंद ही नहीं हुआ होगा पूरी रात। कोई बात नहीं, चलो हो जाती है कभी कभी ऐसी गड़बड़। आगे बढ़ते हैं, देखती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है, कितनी उमस है, कितनी गर्मी है। एक तो जो मैं वीडियोस देख रही हूँ ना अपनी पुरानी वाली, उसमें मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है यार मुझे, मेरा पूरा का पूरा फेस हर टाइम गीला ही रहता है। मतलब अगर मैं फैन में नहीं बैठी हूँ ना शांति से, कुछ भी काम कर रही हूँ, धड़ धड़ थोड़ा सा भी, तो बहुत जल्दी स्वेटिंग होती है और फेस पे सबसे ज़्यादा विजिबल रहती है वो, क्योंकि फेस ही दिखता है मेरा वीडियो में। पर कोई बात नहीं भाई, नेचुरल प्रोसेस है, होगा ही होगा, और अच्छी बात है, जितनी स्वेटिंग होती है उतनी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आ गई हूँ मैं बाहर देखने के लिए कि किस तरह का मौसम है, दिखाती हूँ। ओ बेटे, मेरा फूल खिल गया, जो पहले कली थी ना वो कली खिल के अब फूल बन गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा फ्लावर है, इतना सुंदर है, इसको भी थोड़ा सा प्यार दे देते हैं। ऐसे काश बहुत सारे हों, पर ये वाला जो फ्लावर है ना, मैंने नोटिस किया है 3 साल से लगा हुआ है मैंने ये पॉट में, ये वाला प्लांट, पर ये ना 1 साल में एक ही फ्लावर देता है, मैक्सिमम 2 दे देगा, मूड पे डिपेंड करता है, पर एक से एक या 2 से ज्यादा फ्लावर्स देता है, तो मैंने छोटे पॉट में लगाया। देख लो मेरी विंडो पे ये पेंट के जो मार्क्स हैं, इतनी बेहुदा तरीके से पेंटिंग करके जाते हैं ना ये सरकारी घरों में, बस मूड खराब पेंटिंग। देखना ये क्या तरीका है पेंट करने का, क्या मतलब पेंट शीशे पे किया है, ग्लास पे किया है, या बाहर दीवारों पे? नहीं है, वो थोड़ा जल्दी में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों रहते हैं जल्दी में, गलत बात है ये। अरे गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए कैमरा बाहर किया ना, तो अब धूप हल्की हो गई है, देखो थोड़ा दूर आपको उधर धूप दिख रही होगी,
उधर धूप है, इधर धूप नहीं है। यहाँ पे देखो इधर छाया है पूरी। आवाज़ कहाँ से आ रही है मुझे अभी भी आ रही है, पर दिख नहीं रहा कि कौन क्या काम कर रहा है। थोड़ी सी चिड़िया बोलने की भी आवाज़ आ रही है। और देखो सामने वाले पेड़ पे कितने नारियल लगे हैं, मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो है ना। और इस पे ना जुगाड़ भी लगा हुआ है, ये देखो ये टोकरी टाइप लगी हुई है ना, वो इसलिए लगी है कि नारियल अगर नीचे गिरे तो किसी की गाड़ी पे ना गिरे, नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये बास्केट लगाई रहते हैं नीचे। सब सब नारियल के पेड़ों में लगी हुई है, इधर वाले में भी लगी हुई है देखो। तो ये अच्छा सिस्टम लगा मुझे कि थोड़ा सा नुकसान से मुझे याद आया ना कि ये हिमाचल की बात करी थी मैंने, हिमाचल क्या उत्तराखंड में इतना ज़्यादा अब बाढ़ का पानी आ चुका है, मतलब रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं और नीचे तक चंडीगढ़ तक आ गया है। पंचकुला में भी बहुत नुकसान हुआ है, हरियाणा में भी पानी जगह जगह भरा हुआ है, जो किसान है उनकी ज़्यादातर फसल का नुकसान हो गया है। तो ये थोड़ा सा मुझे बात अफेक्ट करी है क्योंकि बेचारे इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं यार किसान, इतनी मुश्किलों से हम तक वो फूड पहुँचाते हैं वो, और फिर वो इतनी मेहनत करें और उनका वो नुकसान हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी दूर होंगी और सरकार उनकी पूरी पूरी मदद करेगी। बाल बांधने ज़रूरी है ना गाइस, जैसे ही झड़ रहे हैं खाने में इधर उधर गिरेंगे तो इस वजह से पहले मैं बाल टाई कर लेती हूँ। और मैं आपको अपनी फेवरेट चीज़ भी दिखा देती हूँ जिसको आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये देखो बहुत क्यूट लगता है मुझे ये, इस पर छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है। लाइट क्यों चली गई है? हाँ ये देखो छोटू एलिफेंट, अरे यार बच्चा छोटू एलिफेंट घेरा, बहुत क्यूट है। और इसके ऐसे नीचे ये हैंगिंग्स लगी हुई हैं, पूरे दिन टक 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 बजता रहता है। और स्पिटी से लेके आई थी मैं ये भी, बहुत प्यारा लगा मुझे। ऐसे जो लोकल जगह की जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं कलेक्ट कर ही लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि ऐसे तो सब जगह मिल जाता है, पर थोड़ा यादें मेमोरी। फ़ोन इतनी तेज नीचे गिरा ना भड़ भड़ करके, मुझे तो लगा मैं मेमोरीज़ की बात कर रही थी, मेरा फ़ोन ही खुद मेमोरी बनने वाला है, बहुत तेज़ गिरा, उठा लिया है, बच गया है, कवर भी नहीं उतरा है, इसे इंटैक्ट था कवर, तो ठीक ही है, फ़ोन भी चल रहा है, अच्छा खासा वीडियो एकदम शुरू कर दी मैंने, पर बहुत तेज़ गिरा मुझे दुख हुआ। और ये वाला जो मेरा फ़ोन है ना ये मैं रमन को देने वाली हूँ, खुद नया फ़ोन लूँगी तो उसको अच्छी हालत में अगर मिलेगा तो ये उस बात को अप्रिशिएट करेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि मेरे को सारे फ़ोन ख़राब करके देती है। और आलू उतार लेती हूँ मैं, आलू को बिठा दिया है गाइस मैंने उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए। और आटा ले लिया है, आटे में थोड़ा सा ऊपर से नमक ऐड कर दिया है, फटाफट से आटा लगा देती हूँ और फिर आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। किचन की क्लीनिंग हो गई है और आलू मेरे ख्याल से बॉयल हो गए हैं, मतलब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, देखती हूँ अभी चेक करूँगी, अभी उसमें थोड़ी सी और सीटी गैस बची हुई है तो जब वो खोलूँगी चेक करूँगी। किचन मैंने साफ़ कर दी है, थोड़ी तैयारी कर दी है, पराठे बनाने की क्लीन होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, काम करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रही थी सॉरी मुझे आपको गंदे बर्तन दिखाने पड़ रहे हैं, पर ये बात इसी से रिलेटेड है। और मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि हमारी जो हाउस हेल्प आती है ना हमें उनकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें थोड़े से बर्तन क्लीन करके देने चाहिए, एटलीस्ट पानी में से निकाल के और चीज़ों में पानी भर के रखना चाहिए सो दैट इजीली बर्तन साफ हो सके। ऐसा मैसेज था कि हमें थोड़ा बर्तन अपना साफ करके रखना चाहिए जो आ रहा है हमारी गंदगी क्लीन करने के लिए, इतने बुरे हाल में भी उसको गंदा बर्तन नहीं देना चाहिए और उसको आसानी होगी थोड़ा सा उसे साफ करने में। ज़्यादा गंदे बर्तन होंगे, रात का बचा हुआ खाना उसमें है, सिंक में पूरी रात पड़ा हुआ है, सड़ जाएगा तो किसका मन करेगा। बस ये छोटी सी सजेशन है, अगर आप लोग फॉलो कर सके तो ज़रूर करना, मैं भी पहले नहीं करती थी पर मुझे मम्मी ने सिखाया, ये मम्मी ने बोला कि अगर कोई तुम्हारे बर्तन साफ कर रहा है तो उसको ऐसी कंडीशन में दो कि उसको साफ करते हुए बुरा ना लगे, ठीक है, वो साफ करते हुए मन में हमें गालियाँ ना दे कि कितने गंदे लोग हैं, क्या मतलब थोड़ा सा इतना सा भी काम अपना नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी नहीं कर सकते हैं कि चलो इसको पानी में से निकाल के रख दें। तो इसलिए और
मुझे अब अच्छा लगता है, मैं थोड़ा ऐसे बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, उसका काम भी आसान हो गया और ज़्यादा उसको गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स इट। काफ़ी अच्छे से बॉयल हुआ है आलू। देखो पहले एक बारी में नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा आलू है ना, तो एक बारी में नहीं हुआ था। मैंने इसको दोबारा रखा, दोबारा 4 से 5 सीटी लगाई, फिर ज़्यादा ही अच्छे से बॉयल हो गया। बीच में से आलू हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से बॉयल हुआ है काफ़ी, और मैंने इसको मैश कर लिया है फोर्क की हेल्प से। अब मैं इसमें आपके सामने मसाला ऐड करूँगी। सबसे पहले हरी मिर्चियाँ काट देती हूँ उसमें, दो हरी मिर्ची डालूंगी मैं, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो मिर्चियाँ हैं ना उनकी पहचान नहीं हो पा रही हमें, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं निकलती हैं, नॉर्मल स्पाइसी होती हैं यहाँ की ग्रीन चिलीज। तो मैंने बड़ी बड़ी दो मिर्ची पूरी डाल दी और थोड़ा सा इसको हम बारीक बारीक काटेंगे, बहुत मोटा नहीं काटना। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, मतलब काफ़ी बेसिक है, सबको ही पता है तो कि क्या क्या ऐड होता है आलू के पराठे में। बस नमक थोड़ा देख के डालना है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है उससे नमक, तो मैं कम ही रखती हूँ। फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, फिर हम डालेंगे इसमें हींग, हींग भी मुझे बहुत पसंद है, हींग भी मैं अच्छा खासा क्वांटिटी में डालती हूँ, सारी सब्जी में डालती हूँ और कोई भी स्टफिंग में तैयार करती हूँ तो उसमें भी मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। और हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। ये जो गाइस धनिया पाउडर आप देख रहे हैं ना, ये धनिया पाउडर घर का पिसा हुआ है, ये यहाँ का जो हम पाउडर वाला लेके आए थे ना वो बड़ा बेकार था और कलर भी वो अजीब सा देता था, डार्क कर देता था सब्जी को। मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से फॉक की मदद से, आप कैसे भी कर सकते हो, हाथ भी कम होगा तो और डाल दूंगी ना। हरी मिर्ची हटा देती हूँ, हरी मिर्ची डायरेक्ट मुंह में जाएगी, उतनी भी मिर्ची पसंद नहीं है। अरे यार अटी नहीं रही है, हट जा। हाँ परफेक्ट। कैमरा रख के आ गई थी, मैं भूल ही गई कि पराठा कैसे सिकेगा और कैसा लगेगा सीखने के बाद, तो मैं भूल ही गई कि वो तो दिखाना ज़रूरी है। मुझे लगा मुश्किल काम हो गया तो पराठा बन गया। इस पे सिक गया है ये दोनों साइड से, अब इस पे ऑयल लगा देते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा मुझे व्लॉगिंग के साथ करना ये काम, पर ठीक है, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, पर मुझे पराठों में ना घी इतना पसंद आता नहीं है। कभी कभी ऐसा, क्या बोल रही थी कि टेस्ट चेंज के लिए मैं लगा लेती हूँ कभी कभी घी भी, पर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छे से ऑयल लगा दिया है और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। फूल रहेगा थोड़ा थोड़ा, देखो ऊपर से नहीं दिख रहा, साइड से दिखेगा शायद से, मोटू इतना नहीं, नहीं हवा भरी हुई है, फूल रहा है। ठीक है, गैस थोड़ा तेज कर देती हूँ, जल्दी जल्दी सेकेगा। क्रिस्पी चाहिए तो आप गैस मत तेज करना, इसको धीरे आंच पे सेकना। अभी मेरा वो तवे पे पड़े पड़े ही काफ़ी देर क्रिस्पी हो गया है, तो अब मैं तेज़ आंच पे भी सेक सकती हूँ इसको। इधर चाय भी बन के तैयार हो गई है, आप सोचोगे ना कितना चाय पीती है, पर हाँ आज 3 कप हो गई, अदरवाइज मैं 1 ही कप लेती हूँ। मैं आपको पराठा दिखाने लग रही थी ना, उसी बीच मेरा फोन एकदम से ऑफ हो गया। पहले
वीडियो बीच में रुकी, मैंने दोबारा से वीडियो रिज्यूम करी, मैंने ही नहीं देखा कि बैटरी फिर से बैटरी लो का सिग्नल आ रहा है। तो जल्दी से ऑफ हो जाएगा फोन मेरा फिर से, मैं आपको एक बारी पराठे का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऐसे कुछ बन के तैयार हुए हैं मेरे पराठे, साइड से निकल गए हैं, और ये अगेन मैं दोबारा बताऊंगी मेरे हिसाब से जला हुआ नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐसा ही एक्स्ट्रा सिकी हुई चीजें खाना पसंद करती हूँ। और क्वीन की चाय फिर से यहाँ पर है इस बार, मतलब आज मैं पराठे उसके साथ नहीं खाऊंगी, सॉरी अचार के साथ, क्योंकि पहले ही मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करके आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। नहा के आ चुकी हूँ मैं गाइस, और आज मैं अपना स्किन रूटीन थोड़ा बैठ के करना चाहूँगी, क्योंकि बाथरूम में फैन नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं स्किन रूटीन करते हुए, एंड वो फिर चिपचिपा हो जाता है एकदम से, बहुत देर फैन में बैठने के बाद ठीक होता है। फटाफट से कर लेती हूँ मैं अपना स्किन रूटीन, और स्किन रूटीन करने के बाद मैं आज ही बेडशीट चेंज कर दूंगी, बहुत दिन हो गए हैं बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी है, बेडशीट चेंज करनी भी ज़रूरी है। बेडशीट चेंज करूंगी और अपना जो मेरा अलमीरा है, जो कपड़े बाहर रखे हैं दूसरे वाले रूम में, वो अलमीरा में लगाऊंगी। थोड़ा सा अलमीरा को डिक्लटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ऐसे मिसलेनियस सामान है ना, वो अलमीरा में ऐसे ही रखा हुआ है, उनकी जगह बना के और अपने कपड़े एडजस्ट करूँगी उसमें, इधर इस रूम की अलमीरा में भी और दूसरे रूम की अलमीरा में भी। ये जो पीछे आप साइन बोर्ड देख रहे हो ना गाइस, ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, मैं उस पेज का नाम भूल गई हूँ अब, और बड़ी प्यारी सी बात लिखी है इसमें, मुकम्मल रिश्तों का जिक्र किताबों में नहीं होता, विच इज़ ट्रू, क्योंकि बुक्स मोस्टली फिक्शनली होती हैं, तो जो चीज़ रियल है, जो मुकम्मल है, उसका जिक्र किताबों में होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मैंने 3 साल पहले लिया था और 3 साल से मेरे साथ है ये, एंड आई लव दिस। मॉइस्चराइज मैंने कर लिया है, अब मैं अपना हाइलुरोनिक एसिड लगा लेती हूँ, ये भी मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं ना अभी कन्फ्यूज्ड हूँ कि यही सेम ऑर्डर करूँ या फिर बिल्कुल, अब इससे ड्रॉप्स भी नहीं आ रही हैं गाइस, तो आई एम कन्फ्यूज सेम ऑर्डर करूँ या फिर कोई और नया ट्राई करूँ। वैसे तो मुझे सूट किया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट थोड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेती हूँ, नेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर फेस ना। और मेरे बाल बिल्कुल ऑयली हुए हैं, मुझे आज वॉश करने थे पर आज नहीं कर रही हूँ, आज सोच रही हूँ ऑयलिंग कर लूँ, पर फिर सोच रही हूँ ऑयल तो ओवरनाइट लगा के नहीं रखना चाहिए ना, कन्फ्यूज हूँ, हो सकता है ऑयलिंग करके खाली बाल धो लूँ बाद में 2 घंटे बाद, ये भी हो सकता है। और बारिश का मौसम है, थोड़ी बारिश आ जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं ऊपर जाके बारिश में नहा लूँगी और फिर तो मुझे नहाना ही पड़ेगा फिर से। अभी अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश का मौसम है, थोड़ी देर पहले हवा भी थी पर अब से हवा बंद हो गई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपना जो भी स्किन रूटीन है अब भी यहाँ रूम में बैठ के करती हूँ, एटलीस्ट हवा तो लगेगी। तो हो गया है मेरे स्किन रूटीन, और आज मैंने बिल्कुल टाइम गैप नहीं दिया मॉइस्चराइजर और इसके बीच में, क्योंकि मैं खुद भूल गई बातें करते हुए, मैंने फटाफट से मॉइस्चराइजर के बाद हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, इतना भी ज़्यादा स्टिफ नहीं होना चाहिए रूटीन में कि बाद में आपको अफसोस हो कुछ मिस करके। ठीक है, तो हो चुका है स्किन रूटीन पूरा, और करते हैं बेड से चेंज करते हैं बेडशीट और पिलो कवर्स। किया कि मैं अपने हेयर फॉल करूँगी, वैसे मैं रोज नहीं काम करती हूँ क्योंकि हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है ना, और वो हेयर फॉल एक्सट्रीम हेयर फॉल देख के
मेरा थोड़ा मूड खराब होता है तो मैं स्किप करती हूँ अपने हेयर कॉम करना फॉर लाइक 3 to 4 days. वैसे इतने ज़्यादा उलझते भी नहीं हूँ अभी भी, और ये जो कर्ल रहता है ना बालों में मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती भी हूँ जल्दी जल्दी अपने बाल कॉम करना. पर आज मैं कॉम करूँगी क्योंकि मुझे हेयर ऑयल लगाना है. फटाफट से कॉम करते हैं अपने बालों को, आपसे बात करते हैं साथ में. ये जो हेयर ब्रश है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है, और ये बहुत ही प्यारा हेयर ब्रश है अमेज़ॉन पे. अगर इसके ना ये जो ब्रसल्स हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं इनको, ये बहुत ही सॉफ्ट है. और देखो ज़रा सा कॉम निकाला है बालों में से, और ये हेयर देखो आप कितना ज़्यादा हेयर फॉल है. तो इन इसको हम एक साथ निकालेंगे और बाद में जब ब्रश क्लीन करूँगी. तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेज हैं इसके ब्रसल्स. और पहले जो मेरा हेयर ब्रश था उसके बहुत ज़्यादा हार्ड थे, तो एक दिन वो यूज़ कर रही थी मेरा हेयर ब्रश, इतने ज़्यादा हार्ड ब्रशेस, फिर उसने मुझे रिकमेंड किया तो फिर मैंने झट से मंगाया, और सच में बहुत ही प्यारा. ये देखो ज़रा सा कॉम किया और कितना स्ट्रेट हो चुका है मेरा बाल. तो इसलिए मुझे ना कर्ली बाल पसंद है, तो मैं थोड़ा कम कॉम करती हूँ, थोड़ा उसका कर्ल रहने देती हूँ. पर फ्रिजी इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना यहाँ पे बाल, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं. देखो सारा फ्रिज निकल गया ज़रा सा कॉम करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा. अब मुझे भूख लग रही है, हो सकता है मैं पहले कुछ खा लूँ, कोई फ्रूट खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हेयर उसका. सो इसी मैं आपसे बात कर रही थी ना, वैसे ही मेरे फ़ोन की मेमोरी ने जवाब दे दिया है और सारे आज की ही वीडियोज़ हैं. तो मुझे लग रहा है कि आज मुझे यहीं पे एंड करनी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि मैं पहले भी डिलीट नहीं कर सकती वो ब्लॉग भी, नहीं तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी और आगे का नहीं बन पाएगा. उससे पहले मुझे लैपटॉप में डालना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा काम हो जाएगा मेरे लिए. अभी मुझे अपनी अलमीरा भी सेट करनी है, तो थोड़ा सा ब्लॉग और बना के फिर आज का ब्लॉग करते हैं एंड. मैं आपको बता रही थी कि देखो कितने स्ट्रेट बाल हैं. वैसे अगर कॉम नहीं करूँगी तो कर्ल रहेगा बालों में, और अगर कॉम कर लूँगी तो ये देखो, इसलिए भी मुझे कॉम करना नहीं. जैसे थोड़ा सा यहाँ पे है वो पता नहीं कैसे आ गया कर्ल, पर वैसे बहुत स्ट्रेट बाल हैं और मुझे नहीं पसंद एकदम कॉम करते ही स्ट्रेट हो जाते हैं. कोई बात नहीं, अब भगवान जिसको जो देता है उसी में हमें, उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए. तो मैं स्ट्रेट बालों को भी करती हूँ, बस मुझे पसंद नहीं आता. फाइनली आज बाल भी खुश हो रहे होंगे कि इसने कम से कम हमें कॉम तो किया, और आप लोग भी सोच रहे हो कैसे फ्रीजी बाल रहते हैं. तो फ्रीजी वो इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं कॉम कम करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट थोड़ा सा कर्ल बालों में. अभी जैसे ही आया हुआ है तो बाकी के बाल पूरे स्ट्रेट हो गए हैं, और दूसरा हेयर फॉल की वजह से अभी भी बहुत हेयर फॉल हुआ है. बंद था आपको दिखा दूँ पर नहीं दिखा रही, छुपा रही हूँ. ऐसा नहीं है, क्या पता पसंद आया लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देखना, नेगेटिव चीज़ें देखना, इसलिए नहीं दिखा रही. ठीक है, अब मैं कोशिश करती हूँ अपने फ़ोन की मेमोरी क्लियर करने की थोड़ी सी, और फिर व्लॉग आगे बढ़ाती हूँ. शाम हो गई है गाइस, दिन छिप चुका है लगभग, शाम क्या रात हो गई है, अब तो 8 बज गए हैं. और कितना मज़ा आ रहा है एकदम न्यू बेडशीट पे बैठने में. पर जो पहले वाली थी ना वो मुझे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि मुझे थोड़े से प्रिंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लेन से ज़्यादा थोड़े प्रिंट बेटर रहते हैं. पर ठीक है, ये भी अच्छी है, घर से आई ये बेडशीट तो मुझे वैसे ही पसंद है, लगाव कुछ अलग ही है इस बेडशीट के साथ. पर वो वाली बेडशीट ज़्यादा प्यारी लगती थी मुझे. कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रिंटेड बेडशीट मंगा लूँगी, अभी तो एक ही है प्रिंटेड वाली. और अपडेट मेरे फ़ोन मेमोरी की, तो दोपहर को मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप रमन लेके गया हुआ था, अभी लैपटॉप आया है तो मैंने फटाफट से वीडियोज़ ट्रांसफ़र करी हैं लैपटॉप में, और मैं आ गई हूँ फिर से आप सबके सामने. थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो कम मेमोरी वाला है. कितने वाला है रमन, कितने वाला है मेरा फ़ोन, कितनी मेमोरी है, 60 GB, 64. हाँ, तो इसमें जो 64 GB है वो बहुत जल्दी भर जाती है,
ऐप्स भी मेरे पास थोड़ी सी कुछ ज़्यादा हैं, शॉपिंग ऐप्स मैंने ज़्यादा की हुई हैं, तो इस वजह से फटाफट से इसकी मेमोरी भर जाती है। और आज का व्लॉग कुछ बना भी ज़्यादा लंबा है, तो मैं अब इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और मैं कल आप सबके साथ मिलती हूँ दोबारा से। अपना ध्यान रखिएगा, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।